अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। प्यारे दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं तीन ऐसे लोगों के बारे में जिन पर अल्लाह का अजाब होता है और ऐसे तीन लोग तबाह बर्बाद हो जाते हैं। जी हाँ नाज़रीन, नबी करीम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का ही फरमान है कि तीन लोग जिन पर अल्लाह का अजाब होता है और तीन लोग वो हैं जो तबाह बर्बाद हो जाते हैं। तो आज की वीडियो में हम जानेंगे उन तीन लोगों के बारे में। तो मेरी आपसे मोहतरमाना गुजारिश है कि इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें और वीडियो पसंद आने की सूरत में इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें। तो चलिए नाज़रीन, बिना वक्त ज़ाया किए शुरू करते हैं आज की वीडियो। नाज़रीन कराम, हज़रत अबू हुरैरा रदी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है कि एक मरतबा रसूलल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम खुतबा इरशाद फरमाने के लिए मिंबर पर तशरीफ़ फरमा हो रहे थे तो आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया आमीन। और फिर जब आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने अपना कदम मुबारक दूसरी सीढ़ी पर रखा तो कहा आमीन। फिर आप हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने जब तीसरी सीढ़ी पर अपना कदम मुबारक रखा तो आपने फिर फरमाया आमीन। इसके बाद आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने खुतबा इरशाद फरमाया और सहाबा इकराम बैठे रहे। फिर आकाए दो जहां सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम मिंबर से नीचे तशरीफ़ ले आए तो सहाबा इकराम ने अर्ज़ किया कि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, आज हमने एक अजीब बात देखी जो इससे पहले कभी नहीं देखी गई थी। जब आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने पहली सीढ़ी पर कदम मुबारक रखा तो फरमाया आमीन। फिर जब दूसरी सीढ़ी पर कदम मुबारक रखा तो फरमाया आमीन। फिर जब आपने तीसरी सीढ़ी पर भी अपना कदम मुबारक रखा तो भी फरमाया आमीन। या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, क्या कोई ख़ास वजह थी? तो प्यारे आका हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया हाँ, ख़ास वजह थी क्योंकि मेरे पास जिब्राइल अमीन हाजिर हुए थे और उन्होंने मुझसे ये अर्ज़ किया कि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, जिस इंसान की ज़िंदगी में रमज़ान मुबारक का रहमतों और बरकतों वाला महीना आ जाए और वो इस रमज़ान मुबारक के रहमतों और बरकतों वाले महीने की कदरों मंजिलत करके अल्लाह तबारक व ताला से उसकी रहमत हासिल ना कर ले तो वो बंदा अल्लाह तबारक व ताला की रहमत से दूर है और वो बंदा तबाह व बर्बाद है और वो हलाक हो जाए। तो मैंने फरमाया आमीन। फिर आप हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब मैंने मिंबर की दूसरी पेड़ी पर कदम रखा तो जिब्राइल अमीन ने फरमाया कि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, वो बंदा भी तबाह व बर्बाद हलाक हो जाए, अल्लाह की रहमत से दूर हो जाए, जिसकी ज़िंदगी में उसके माँ बाप बुढ़ापे को पहुँच जाएँ, उनमें से चाहे एक हो या दोनों, वो शख्स उनकी खिदमत करके अल्लाह ताला से जन्नत हासिल ना कर ले। तो हुजूर ने फरमाया आमीन। फिर जब सरकार दो जहां सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने मिंबर शरीफ की तीसरी सीढ़ी पर अपना कदम मुबारक रखा तो जिब्राइल अमीन ने फरमाया कि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, वो बंदा भी तबाह बर्बाद और हलाक है और अल्लाह की रहमत से वो दूर हो जाए, जिसके सामने आपका नाम पाक आए और वो शख्स आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पर दुरूद पाक ना पढ़े। तो प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया आमीन। तो नाज़रीन कराम, यही हैं वो तीन बदनसीब लोग जिन पर अल्लाह का अज़ाब होता है और वो तबाह बर्बाद हो जाते हैं। नाज़रीन कराम, इन तीन बातों पर हमेशा ध्यान रखें, अपने वालिद वाला की खिदमत करें और रमज़ान मुहर्रम के महीने की कद्र और मंजिलत को समझें और अल्लाह ताला को उस मुबारक महीने में राज़ी कर लें। और इसके अलावा तीसरा यह है कि सरकार दो जहाँ सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का जब भी नाम मुबारक लिया जाए तो उन पर दुरूद पाक ज़रूर भेजें। उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और इसे हर इंसान तक ज़रूर पहुँचाइए। इसी तरह की मज़ेदार वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट सेक्शन में हमें अपनी राय देकर हमारी हौसला अफजाई कीजिए। इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी अगली वीडियो में। खुदा हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम।